हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी वन में। तो दोस्तों, एक बड़ी खुशखबरी की बात आ रही है दोस्तों। सरकार ने शिक्षा निदेशालय दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को भर्ती के लिए आग्रह पत्र भेजा। 10,000 से ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती जल्द। तो दोस्तों, बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। दिल्ली में 10,000 से ज़्यादा पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। तो दोस्तों, इस रिपोर्ट को हम पूरा पढ़ते हैं। तो दोस्तों, इसमें दे रखा है नई दिल्ली। दिल्ली सरकार ने स्कूल में जल्द ही 10,371 शिक्षकों की टीजीटी पीजीटी की भर्ती होगी। सरकार के शिक्षा निदेशालय ने दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड को शिक्षकों के खाली पदों को भरने के आग्रह पत्र भेजा है। सरकार ने शिक्षा निदेशक ने बुधवार को उच्च न्यायालय में हल्फनामा दाखिल कर यह जानकारी दी। शिक्षा निदेशक विजय भूषण ने कहा कि बड़े पैमाने पर शिक्षकों की भर्ती करने का वक्त लगेगा। ऐसे में शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए डेली वेज पर अतिथि शिक्षकों की सेवाएं लेने की अनुमति मांगी है। न्यायमूर्ति वी कामेश्वर राय के समक्ष शिक्षा निदेशक ने अधिवक्ता अशोक अग्रवाल द्वारा शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए आदेश की पालन नहीं किए जाने को लेकर दाखिल अवमानना याचिका का जवाब दिया। हलफनामे में कहा है कि शिक्षकों के 10,591 पदों को भरने के लिए दिल्ली पिछले साल अक्टूबर में DSSB को आग्रह पत्र भेजा था, लेकिन DSSB ने तकनीकी खामियों की वजह से वापस कर दिया। साथ ही न्यायालय को बताया गया कि 7 मार्च से इसे दोबारा भेजा गया है, लेकिन DSSB ने फिर भी इसे वापस कर दिया। शिक्षा निदेशक से न्यायालय को बताया है कि अब सभी खामियों को दूर करके 10,371 TGT PGT के खाली पदों को भरने के लिए DSSB को आग्रह पत्र भेज दिया है। PGT के 220 पदों को इस बार नहीं भेजा जा सका। शिक्षा निदेशक ने उच्च न्यायालय को यह जानकारी देते हुए कहा है कि नियमित शिक्षकों की नियुक्ति पूरी होने तक दिहाड़ी यानी डेली वेज अतिथि अध्यापकों की सेवाएं की अनुमति दी जाए। तो दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है दोस्तों कि दोस्तों जल्द ही दिल्ली में दोस्तों DSSB द्वारा जल्द ही शिक्षकों की भर्ती की जाएगी। तो दोस्तों, आप इसमें देख सकते हैं दोस्तों, 10,371 TGT PGT के खाली पड़े पदों पर ये भर्ती होगी। और दोस्तों, एक बड़ी अपडेट है दोस्तों दोस्तों डेली बेस पर ये दोस्तों भर्ती होगी। और दोस्तों, जब तक दोस्तों नियमित भर्ती नहीं होती, उससे पहले दोस्तों जो डेली बेस पर ये भर्तियाँ होंगी। और दोस्तों, जो भी स्टूडेंट TGT और PGT की भर्ती का इंतज़ार कर रहे थे, उनके लिए एक बड़ी अपडेट है दोस्तों। ये दोस्तों जल्द ही दिल्ली में इन भर्तियों पर दोस्तों मंजूरी मिलने वाली है। और दोस्तों, जल्द ही दिल्ली में दोस्तों 10,000 से भी ज़्यादा शिक्षकों की भर्ती होगी और शिक्षा में सुधार होगा। तो दोस्तों, ये अपडेट आपके सामने शेयर करनी थी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और यूट्यूब चैनल स्टडी वन को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।